पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसको हम दो तरह की वेव्स के लिए स्टडी कर सकते हैं. सबसे पहले तो ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन पर्टिकुलर लाइट. सो नाउ वी सी कि किस तरह से हम पोलराइजेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर हम ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स की बात करें, जैसा कि यहाँ पे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि ये मैकेनिकल वेव्स एक रोप में प्रोड्यूस की जा रही हैं मैकेनिकली, यानी कि हाथ की मूवमेंट से. सो इट मींस कि ये मैकेनिकल वेव्स हैं और आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं. सो अगर तो जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं या मीडियम खुद, वो आपको पता है कि वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलरली हमेशा प्रोपेगेट करता है ट्रांसवर्स वेव के लिए. अगर हम उसकी जो वाइब्रेशन का प्लेन है उसको खुद से ओरिएंटेशन दे दें, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इसको हमने जो भी उसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन था उसको हमने हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दिया. सो ये जो अलाइनमेंट है जिसको हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं किसी वेव की, यानी उसकी वाइब्रेशन के प्लेन को किसी खास डायरेक्शन में अलाइन कर देना, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या कोई और डायरेक्शन, तो हम कहते हैं कि ये जो वेव है ये पोलराइज हो गई है. नाउ वी सी दैट हाउ इट गोज फॉर बेसिकली लाइट वेव्स. तो लाइट वेव को अगर आप उसकी कंस्ट्रक्शन देखें कि वो किस तरह की होती है, तो उसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं ये हमेशा एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर ऑसिलेट कर रहे होते हैं. और ये जो लाइट वेव है ये सपोज अगर हम किसी ऑसिलेटिंग चार्ज, यानी कि कोई चार्ज पार्टिकल है, आपको पता है कि उसके साथ एसोसिएटेड एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, तो अगर चार्ज पार्टिकल जो है उसकी मदद से अगर हम इस लाइट वेव को प्रोड्यूस करें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी वहां मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो ये राइट एंगल पर होंगे और इस तरह से एक लाइट वेव जो है वो बनती है. तो इस लाइट वेव की हमने अगर पोलराइजेशन करनी हो तो नॉर्मली वी कॉल इट प्लेन पोलराइजेशन. सो अगर हमने प्लेन पोलराइज लाइट जो है उसको प्रोड्यूस भी करना हो या उसकी डिटेक्शन करनी हो तो हम किस तरह से करेंगे. जो अनपोलराइज लाइट है, जैसा कि लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं, ये अनपोलराइज लाइट है और ये लाइट किसी आम लाइट सोर्स से निकल रही है और ये सनलाइट भी हो सकती है. सो एन ऑर्डिनरी इनकैंडेसेंट बल्ब इमिट्स एन अनपोलराइज लाइट. तो आप देख रहे हैं कि लाइट जो है वो चारों तरफ प्रोपेगेट कर रही है, और अगर हम सनलाइट की बात करें तो वो भी इसी तरह से है. लेकिन अगर हम एक प्लेन पोलराइज लाइट की बात करें तो उसको हम अनपोलराइज लाइट से प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं. किस तरह से? अगर हम यहां पर एक पोलराइजर लगा दें, और ये पोलराइजर क्या करेगा कि ये उस में से तमाम जो बीम्स थी अनवांटेड बीम्स उनको इमिट कर देगा, और पोलराइजर के पैरेलल जो बीम होगी सिर्फ वो आगे ट्रेवल करेगी. सो हम कहेंगे कि हमने उसको पोलराइजर की डायरेक्शन में पोलराइज कर दिया है, और चूंकि इट इज अ प्लेन थ्रू विच इट इज पोलराइज, सो वी कॉल इट प्लेन पोलराइज लाइट. और इसकी एक बहुत जो अहम एग्जाम्पल है वो बेसिकली समटाइम्स अगर हम देख रहे हों वाटर सरफेस को और सनलाइट उसमें से पास करे तो लाइट ऑटोमेटिकली पोलराइज हो जाती है और ज्यादा ग्लेयर प्रोड्यूस करती है. यहाँ पर हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि अगर सनलाइट जो है, जो कि अनपोलराइज लाइट है, वो जब वाटर सरफेस पर पड़ती है तो उसके मॉलिक्यूल से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एक खास एंगल के ऊपर पोलराइज हो जाती है. सो ये जो पोलराइज लाइट उसकी जो बीम है, डेफिनेटली ये इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी और ये बहुत स्ट्रांग ग्लेयर या चमक जो है उसको प्रोड्यूस करेगी. सो आपने पोलराइज सनग्लासेस का नाम सुना होगा, और ये जो पोलराइज सनग्लासेस हैं ये पोलराइजर लेंस या पोलराइज लेंस का इस्तेमाल करते हैं. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमने पोलराइज लेंस से हम देख रहे हो तो हमें जो उसकी पानी की जो चमक है वो आंखों को डिस्टर्ब नहीं करेगी. तो अगर आप इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखें तो वो किस तरह से है, दैट नेचुरल अनपोलराइज लाइट जो है वो वाटर सर्फेस के ऊपर फॉल कर रही है, जो कि बेसिकली रिफ्लेक्टिव सर्विस है, और यहां से हॉरिजॉन्टली नॉर्मली अलाइन हो जाती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये खुद से पोलराइज हो जाती है. दैट इज अ नेचुरल इफेक्ट. और चूंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइट है और ये इंटेंस ग्लेयर प्रोड्यूस करती है, और जब ये आंख पे फॉल करती है उसकी रेटिना पर, तो डेफिनेटली ये इसकी जो चमक है वो वहां पर फील होती है ड्यूरिंग द साइट ऑफ सच काइंड ऑफ सनलाइट. अगर आपने एक पोलराइज लेंस आगे लगा रखा है
तो वो पोलराइड लेंस जो है वो हमेशा उसकी जो वर्टिकल अलाइनमेंट में जो उसकी बीम ओरिएंटेड है वो सिर्फ उसको पास करेगा, और जो हॉरिजॉन्टल है उसको यानी कि जो ग्लेयर प्रोड्यूस कर रही है उसको पास नहीं होने देगा, क्योंकि उसका पोलराइजर है वो इस तरह से अलाइन है। सो इट मीन्स कि वो वाली आपको रोशनी नजर आएगी जो कि बेसिकली ग्लेयर या रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रही है सच। तो इट मीन्स कि डायरेक्शन आपने पोलराइजेशन की चेंज कर दी और इस वजह से ग्लेयर इज रिड्यूस्ड टू द साइट। और यही प्रिंसिपल जो है वो पोलराइज्ड सनग्लासेस का होता है। अगर हम इसी प्रिंसिपल को आप पोलराइज्ड सनग्लासेस के ऊपर अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि जो अनपोलराइज्ड लाइट है वो ग्लेयर के साथ इट विल बी डायरेक्टली एंटरिंग द आई, बट इफ यू सी इट थ्रू द ग्लास जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है दैट वुड बी लाइट पार्शियली पोलराइज्ड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय रिफ्लेक्शन। और यहां से आप इसको पोलराइड लेंस के थ्रू अगर देखें तो ये पोलराइड जो होगा लेंस होगा ये उसकी ओरिएंटेशन को दोबारा से पोलराइज करेगा, और वो वाली बीम जो कि रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रही बेसिकली इट विल लेट द व्यूअर सी दैट बीम। सो इट मीन्स के इस तरीके से जो आपने जो नेचुरली रिफ्लेक्शन की वजह से पोलराइज हुई थी वो वाली बीम नहीं देखी, बल्कि पोलराइजर को इस तरह से अलाइन किया कि उसमें से जो दूसरी बीम थी दैट इज बेसिकली सीन थ्रू द सन ग्लासेस, और इस तरह से जो ग्लेयर का जो इफेक्ट है उसको ग्रेटली रिड्यूस किया जा सकता है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ पोलराइज सन ग्लासेस स्पेशली व्हेन यू आर सीइंग सच अ सरफेस ऑफ वाटर।